दोस्तों ये जो आप पट्टी वॉल देख रहे हो, 1 इंच का पट्टी वॉल है, एक क्रैक गया था, थोड़ा क्रिटिकल काम था। कैसे क्या है आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस पट्टी वॉल को रिप्लेस किया है हमने, किस तरह से किया है देखो। ये सबसे पहले तो हमने ये एल्बो को कट मारा है, यहाँ से देखो इस तरह से कट मार कर लिया है, एल्बो को एक कट मारा है और थोड़ा नीचे से भी कट कर कर नया पट्टी वॉल डालने वाले हैं। एल्बो को कट करने के बाद किस तरह से हमने ट्रिक प्लम्बिंग की एक ट्रिक अपनाई है, ये देखो। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल पर आपको प्लम्बिंग की पूरी मालूमात, प्लम्बिंग की ट्रिक्स टिप्स सारे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो हमने कट करके लिया है। अभी हमने जो ये एपीवीसी एल्बो है उसको भी कट मारा है, तो आप देख सकते हैं देखो ये पट्टी वॉल क्रैक हुआ था, इसलिए लीकेज लग रहा था। ये देखो हमने इस तरह से एल्बो कट करके निकाला है। अभी बचा हुआ एल्बो किस तरह से निकालना है आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। देखो पानी बहुत वेस्ट जा रहा था, इसलिए तब तक हमने वहाँ पे ऐसे नॉर्मल पट्टी वॉल लगा दिया है, पानी वेस्ट ना हो इसलिए। ये देखो दोस्तों जो बचा हुआ एल्बो का पार्ट है उसको इस तरह से कट करके लेना है। ये देखो इस तरह से ऐसे कट करना है कि सिर्फ एल्बो कट होना चाहिए, जो ए पी वी सी लाइन है पाइप है अपनी, वो नहीं कट होनी चाहिए। देखो एक दो जगह कट मार के लेना है जिस तरह से मैं मार रहा हूँ, और उसके बाद है ना अपने पास एक टेस्टर से ऐसे उसको निकालना है। ये देखो इस तरह से हथौड़ी मार कर निकालना है। एक काम है ना, थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के करने का काम है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करने का, ठंडे दिमाग से इस काम को करना चाहिए। ऐसे काम को गड़बड़ करके नहीं चलता है, एक काम को ठंडे दिल से करना है, ठंडे दिमाग से ठंडे दिल से करना मांगता हूँ। वरना कुछ क्रैक होगा ना तो पूरा अंदर का कंसील पूरा फोड़ना पड़ेगा, टाइल्स वगैरह सारे फोड़ना पड़ेगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत रहकर देखो इस तरह से फोड़ कर लेना है। ये देखो ये आप देख सकते हैं, ये देखो कट मारे हमने उसको पहले, सबसे पहले ये देखो दो जगह कट मारे थे और उसके बाद ऐसे कट करके लिए। उसके बाद ये देखो थोड़ा मारेंगे ना निकल जाएगा, इस तरह से मारना है। ठीक रहती है प्लम्बिंग की, ऐसी आपको प्लम्बिंग की मालूम बात हमारी वीडियो पर मिलेगी, वीडियो में मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चैनल को है ना, इस वीडियो को है ना शेयर कीजिए, व्यूज आएंगे ना तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, इसलिए चैनल को शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जितने भी आपके कांटेक्ट में प्लम्बर हैं, नए प्लम्बर हैं या मिस्त्री हैं, उनको सारों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन तक ये मालूमत पहुँच सके इस तरह किसे भी काम किया जाता है। वरना कोई नया प्लम्बर रहेगा ना वो क्या करेगा कि जो कंसील है उसको तोड़कर नया उसको तोड़कर क्या करेगा, वो कॉलर का इस्तेमाल करेगा। कॉलर का इस्तेमाल नहीं किया है हमने इस वीडियो इस काम के अंदर। ये देखो जब भी हम पट्टी वाल लगाएंगे तब उसको ऑपरेट करना है, थोड़ा ऑन ऑफ करके लेना है, क्योंकि सॉल्यूशन है ना कभी कभार वो वॉल वॉल के अंदर जाके लगता है, इसलिए उसको ऑपरेट करके देखना है पट्टी वॉल को जब भी हम लगाएंगे, कितने भी इंच का रहना हो, ए पी वी सी हो या सी पी वी सी, उसको ऑपरेट करके देखना है। देखो इस तरह से लेकर हमने वहाँ पर लिया, अभी ए पीस को कट कर लेंगे, पीस को कट करके लेना है इस तरह से, जो भी अपना माप आएगा कितना भी, मैं अपने हिसाब से कट कर रहा हूँ माप लेकर। देखो पीस इस तरह से कट करना है, देखो पीस कट करते वक्त हमारे देखो इस तरह से कट करके लेना है।
ये देखो नीचे हाथ तो उड़े डाल पकड़ा है और उसके ऊपर पाइप रखकर एक से कट किया। इस तरीके से कट करेंगे ना आसानी के साथ कट होगा। सॉल्यूशन लगा कर अभी इसको फिट कर कर लेंगे। सबसे पहले एक साइड को सॉल्यूशन लगाएंगे। इस तरह से सॉल्यूशन लगा कर हमने फिट किया। दोस्तों हमारा काम आपको कैसा लगा एक कमेंट में हमें बताइए, और हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काय करायचं? पाठीसाठी जागा सोडायची वगैरे बंद करा।